हे गाइस, वेलकम बैक टू द ईयर नितिश नाइट यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में जानेंगे बैंजो का पिकअप में वॉल्यूम का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे देखिए बैंजो का पिकअप है और यहाँ पे माइक सॉकेट है, जो कि इसका साइज़ अगर बता दो तो 6.35 mm का है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, इसका रेटिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं, 50 kΩ से 100 kΩ के बीच में चलेगा। यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर का 3 टर्मिनल यहाँ पर है, जो कि ये पहला है जो बाएं तरफ है, ये ग्राउंड का है, मिडिल में आपको जो दिखाई दे रहा है आउटपुट का है, और यहाँ पे लास्ट में इनपुट का है। सबसे पहले हम लोग बैंजो का पिकअप से चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कनेक्शन कर लेंगे ग्राउंड वाला, माइनस का जो पॉइंट है यहाँ से लेकर चलेंगे, और यहाँ पर आते आते फर्स्ट में इसको दे देंगे हम पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड पर दे देंगे, और यहाँ पर माइक सॉकेट के ग्राउंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रहता है माइक सॉकेट का ग्राउंड में चला गया। इसका मतलब कि कनेक्शन हो गया, ग्राउंड वाला कनेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया। फिर आइए यहाँ पे, तो ये जो माइक सॉकेट है यहाँ आउटपुट में, इसका जो आप देखिएगा पीछे में, तो 2 टर्मिनल आपको दिखाई देगा। ये 2 टर्मिनल को आपको शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट करके यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर मीटर का जो मिडिल में है, जो आउटपुट का है, यहाँ पर आउटपुट ही आपको कनेक्ट कर देना है। और बच गया लास्ट में यहाँ पे बैंजो पिकअप का जो बच गया यहाँ पे प्लस वाला, तो यहाँ प्लस वाला उठाना और यहाँ पे आपको इनपुट में डाल देना है। इसका इसी प्रकार से पूरा इसका कनेक्शन आपका होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सीखने को बहुत कुछ है। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।